नमस्कार, मैं अनुष्ठ भारद्वाज रागेला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चला, 15 वाहनों का चालान किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया पौधारोपण। चीतल के 5 जोड़ी सींग और 6 किलो से अधिक गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। सरकारी जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी सील। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे लोहाघाट। अब खबरें विस्तार से। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवहन विभाग भी सतर्क हो गया है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में आज सुबह परिवहन विभाग द्वारा बड़े वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई वाहनों पर कार्रवाई की गई और कई वाहनों को सीज किया गया। वहीं परिवहन अधिकारी सचिन अग्रवाल ने बताया कि अभी तक 15 वाहनों पर कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। छह वाहनों को सीज किया गया, जिसमें 3 स्कूली वाहन है, 1 प्राइवेट वाहन बच्चे ढो रहा था और 2 डिलीवरी वैन बनती गई। भविष्य में ये कार्यवाही जारी रहेगी। कहाँ है सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आप लोगों को करीब लाए। रुद्रपुर में रेड लाइट से लगने वाले जाम से लोगों को जल्द निजात मिलेगी। पुलिस ने दीनदयाल चौक की रेड लाइट बंद कर दी है और इंदिरा चौक पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। समस्या से कैसे निजात मिले, इसको लेकर SSP उधम सिंह नगर ने खुद मौके पर जाकर जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पर यहाँ पे इंदिरा चौक में हमने ट्रैफिक लाइट शुरू किया है और आपको सबको पता है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़क है। उत्तराखंड में इतना चौड़ी सड़क कहीं नहीं है जितना यहाँ पे इंदिरा चौक में है। परंतु हमारा यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी सारे काम की आवश्यकता है, जैसे कि हमारा पोल्स को शिफ्ट करने का और क्या बोलते हैं, कुछ जगह पर नाली के पीछे को एरिया को क्लियर करने का। इसी बिहाफ में आज हमने जॉइंट निरीक्षण किया है, जहाँ पर नगर निगम, NH, NH की दोनों कंपनीज और उसके बाद जो है हाइडल और आपका बिजली विभाग और PWD विभाग, ये सारे लोग आए हुए थे और अपना अपना दायित्व को समझ के हम अपना अपना काम कर देंगे तो काफी जगह पे फ्री लेफ्ट हो जाएगा और यातायात सुचारू रूप से चला जाएगा। जनसंघ के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सुमित्रानंदन पंत पार्क में स्वच्छता व पौधारोपण किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों पर चलकर भाजपा कार्यकर्ता समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गोविंद सिंह पिलखवाल, उपाध्यक्ष दर्शन रावत, नगर अध्यक्ष कैलाश गुरानी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। SOG और थाना गदरपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए वन्य जीव चीतल के 5 जोड़ी सींग और 6 किलो से अधिक गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SSP ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि देर रात टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गदरपुर क्षेत्र में गांजे और चीतल के सींग की सप्लाई कर रहे हैं, जिस पर थाना पुलिस और SOG की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बरहनी चौराहे से बन्नाखेड़ा को जाने वाली सड़क से 2 बाइक सवार युवकों को दबोचा। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बाइक को सीज कर दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम और NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है और अभी भी पूछताछ जारी है। NDPS के मामले में और इसमें क्या बोलते हैं, वन्य जीव तस्करी के मामले में, इसी के तहत हमको एक अच्छा सफलता मिला है कल रात को, जहां पर जो है हमारे SOG और थाने की कंबाइंड टीम द्वारा तो कुल मिला के 5 जोड़ी चीतल के सींग और 1 6 किलो 80 ग्राम अवैध गांजा 2 व्यक्तियों के तरफ से बरामदगी हुई है। तो श्री मेहरबान सिंह है और मेहदी हसन है, 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुई है तो उनके और क्रिमिनल हिस्ट्री भी टटोला जा रहा है। इसमें SOG की टीम्स का और थाना पुलिस का बड़ा अच्छा भूमिका रहा है, इसमें 2500 रुपये का कैश रिवार्ड का हमने घोषणा करते हैं। Thank you.
जमीन फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है, जिसका ताजा उदाहरण तब सामने आया जब एक नामी प्रॉपर्टी डीलर ने फ्लैट बनाने के लिए सरकारी जमीन ही कब्जा ली। हल्द्वानी के तीन पानी के पास टुलिप होम्स नाम से कॉलोनी के पास वर्ग 4 की जमीन पर बड़े पैमाने पर बिल्डर द्वारा फ्लैट बनाए जा रहे थे, जिसमें आज सिटी मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन व राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और जमीन को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आप ये तोड़ेंगे ना, मैं आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि बिना नक्शा पास कराए कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करें। प्राधिकरण के दायरे में रहकर जो उसके नियम है उसके अंतर्गत नक्शा पास कराने के बाद ही निर्माण कार्य करें। इसी के क्रम में आज जो ये ट्यूलिप होम्स है यहाँ पर अभी प्रशासन और इसमें रेवेन्यू विभाग की टीम हमारे साथ है, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करी है। इसमें लगभग 8 बीघे लैंड वर्ग 4 सरकारी भूमि है जिसपे जो निर्माण हो रहा था उसको मौके पे सील कर दिया गया है और इसके अलावा इसमें जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसके लिए आगे की कार्रवाई इसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तावित की जा रही है और इनको कड़ी वार्निंग दी गई है कि अगर इन्होंने सरकारी ज़मीन पर दोबारा कार्य किया तो निश्चित ही और ये सील तोड़ी तो उसमें मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे लोहाघाट पहुंचे, जहां उनके द्वारा डिग्री कॉलेज लोहाघाट परिसर में हरेला महोत्सव के तहत पौधरोपण कर एनसीसी कैडेट्स व कॉलेज की छात्र छात्राओं को इन पौधों की देखभाल करने की अपील की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता द्वारा की गई। मौके पर कई भाजपा पदाधिकारियों, विद्यालयों के सभी शिक्षक, छात्र छात्राएं व एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। प्रतिभा संरक्षण संवर्धन के निमित्त आज मुझे लोहाघाट आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से चंपावत विधानसभा की जनता का, इस जिले की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इसे देश को और विश्व की मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम के भाव से सबको एक करना और सबके कल्याण की बात करती है, जिसका प्रमाण है कि कोविड काल की मुसीबत के दौर में व्यक्ति एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए भटकते हुए पाए गए, लेकिन सही वक्त पर कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारे कई अपने परिजन हमको छोड़ के चले गए। इस संवेदना को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तराखंड प्रदेश को, जो पहले से ही ऑक्सीजन दाता प्रदेश है, यहाँ प्रकृति काफी अच्छी है और हम लोग अन्य स्टेटों को भी ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं और अब बच्चों में विद्यालय जाने का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और उनकी दिनचर्या वापस पटरी पर लौट आई है। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।